इन लास्ट वीडियो अपन ने बात किया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और जेड इफेक्टिव, और वहां पे अपन ने एक फॉर्मूला लिखा था जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, और सिग्मा कैलकुलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए थे। फाइन, फिर अगर बात करें कि भाई जेड इफेक्टिव क्या होता है, तो जेड इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ, आप जिस भी इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हो वो एक्चुअल में आपका कितना पॉजिटिव चार्ज आपका फील कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज कौन सा? न्यूक्लियस वाला। और अगर जिनके कुछ लोगों के डाउट थे कि एन एन माइनस वन एन माइनस टू का मतलब क्या हुआ, तो एन शेल का मतलब क्या हुआ कि भाई आपका वैलेंस शेल, एन शेल का मतलब क्या हुआ, वैलेंस शेल जहां पे आपके पास टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, या जिस इलेक्ट्रॉन के जेड इफेक्टिव के बारे में आप क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो। और उसके बाद आता है एन माइनस वन, एन माइनस वन का मतलब उससे जस्ट एक पहले वाला आपका शेल कौन सा रहेगा। तो ये आपका अगर टेस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो उससे जस्ट पहले वाला शेल क्या हो जाएगा आपका, एन माइनस वन, उससे जस्ट पहले वाला क्या होगा, एन माइनस टू, और ये क्या होगा आपका न्यूक्लियस, और जिस पे क्या है आप बोलते हो पॉजिटिव चार्ज आपके पास रहेगा। इतनी बात क्लियर हुई सब लोगों को? ठीक। तो उसके बाद आता है अपने पास ट्रेंड ऑफ जेड इफेक्टिव, कि भाई जेड इफेक्टिव का क्या ट्रेंड रहेगा। तो अपन एक चीज याद रखेंगे कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट क्या रहेगा, याद रखना, ऑन मूविंग ट्रेंड की बात करें तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट आपके जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट जब भी जाओगे तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटोन बढ़ेगा, प्रोटोन बढ़ेगा तो क्या होगा कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को जो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है वो क्या हो जाएगा आपका, और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहे हैं। ये वैल्यू आप न्यूमेरिकल भी बता सकते हो कि चेक करना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से किसका जेड इफेक्टिव आपका ज्यादा रहेगा। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन का जेड इफेक्टिव आपके पास क्या है, ज्यादा है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। अब अगली बात आती है कि भाई जेड इफेक्टिव का क्या क्या यूज रहेगा अपने पास, कि भाई जेड इफेक्टिव से अपन क्या क्या चीजें बता सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो भी अपने पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रहेगी, अपन सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज किससे रिलेट करेंगे, जेड इफेक्टिव के बेसिस पे अपन बात करेंगे। एक केस सोचना, अगर अपन बात कर रहे हैं कि भाई ये क्या है अपने पास, इलेक्ट्रॉन की बात की, और अपन ने बोला सेंटर में क्या है, एक आपका शेल है, और सेंटर में क्या बोल दिया अपने पास, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है आपके पास, ये वाला रेड कलर वाला क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन। और अगर अपन रेडियस की बात करें तो रेडियस का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। अब दो केस कंसीडर किए अपन ने क्या किया, दो केस कंसीडर किया, इसमें पॉजिटिव चार्ज बोल दिया जहां पे प्रोटॉन है और आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब वापस से रेडियस यही हुआ, अब इलेक्ट्रॉन तो सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चाहे एटम ए का हो या बी का हो, इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी सब जगह क्या होगा आपका, सेम रहेगा। अब मान लो एक का फर्स्ट केस में जेड इफेक्टिव का वैल्यू मान लो आपके पास क्या है, 10, और सेकंड केस में जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या है, 20, और आपको पूछे कि भाई बताइए इसका साइज किसका ज्यादा रहेगा, साइज किसका कम रहेगा, या 20 की जगह एक काम करना आप 12 लिख लो, 20 की जगह क्या बोल दिया, 12। अब अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा हुआ तो बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है आपका, Q1 Q2 अपॉन क्या होता है आपका, आर स्क्वायर कूलाम्स लॉ के बेसिस पे बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन तो Q2 बोल दिया, दोनों जगह क्या है आपका, सेम। तो अपन बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका, जेड इफेक्टिव, कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा रहेगा जितना आपका जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या है, ज्यादा। तो इस केस में बोलेंगे अपन कि भाई बी वाले केस में न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा क्या करेगा, ज्यादा फोर्स से अपनी डायरेक्शन पे अट्रैक्ट करेगा, और अगर ज्यादा फोर्स से अपनी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। तो जेड इफेक्टिव के बेसिस पे अपन क्या बताएंगे, साइज भी बता सकते हैं, और एक और टर्म आएगा आपका आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन,
और अगर किसी केस में z इफेक्टिव का वैल्यू ज्यादा है, z इफेक्टिव का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है, बहुत ही ज्यादा क्लोजली या बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन से होल्ड कर रखा है, इसका मतलब आप इजीली उसको रिमूव नहीं कर पाओगे। और अगर आप इजीली रिमूव नहीं कर पाओगे तो आपके लिए आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा रहेगा। तो जेड इस पूरे चैप्टर में जो भी आपकी प्रॉपर्टी रहेगी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी, उन सभी को अपन जेड इफेक्टिव के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। और आप याद क्या रखना, जेड इफेक्टिव का वैल्यू या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका, जेड इफेक्टिव। और दूसरा एक्सप्रेशन क्या याद रखना, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट क्या होगा आपका, जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब माइंड में एक और चीज आती है कि अगर ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप केस अगर कंसीडर करें तो वहां पे क्या होगा, तो अपन बोलेंगे ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप आप जेड इफेक्टिव को कंसीडर मत करना। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आपका वैलेंस शेल या जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ, एक आपका है लिथियम और एक क्या है आपका सोडियम। अगर ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप में बात करें तो लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा 2s1, सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या आएगा आपका 3s1। कि आपके वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपका, सेम है। तो अगर वैलेंस शेल के कॉन्फ़िगरेशन आपका सेम आ रहा है तो वहां पे आप प्रॉपर्टीज जेड इफेक्टिव के बेसिस पे रिलेट मत करना। आप अपन नॉर्मली अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट ही क्या बात करेंगे, जेड इफेक्टिव की बात करेंगे। तो जेड इफेक्टिव सब लोगों को क्लियर हुआ, ओके। और आप लोग क्या करना, DPP3 में जेड इफेक्टिव के कुछ क्वेश्चंस हैं, वहां तक आप लोग सॉल्व करना। और कोई भी डाउट रहेगा तो नॉर्मल आप मैसेज करना कि सर हमें ये वाला पार्ट क्या हुआ, समझ में नहीं आया। फाइन, ओके। तो इस पीरियोडिक प्रॉपर्टी सीरीज में जो सबसे पहला अपना पीरियोडिक प्रॉपर्टी आता है वो आता है आपके पास एटॉमिक रेडियस। कौन सा प्रॉपर्टी, एटॉमिक रेडियस। और अगर अपन बात करें एटॉमिक रेडियस की, कि भाई एटॉमिक रेडियस क्या होगा, तो अपन बोलेंगे कि भाई अपन नॉर्मली बात करें कि स्फेरिकल कंसीडर कर रहे हैं, तो अपन बोलेंगे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में जो भी डिस्टेंस रहेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एवरेज डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, एवरेज डिस्टेंस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, या और क्या बोल सकते हो, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन क्या बीमारी रहेगा या क्या चीज रहेगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट शेल का या जो सबसे दूर वाला इलेक्ट्रॉन है आप उसके लिए बात कर रहे हो, इतनी चीज ठीक है, ओके फाइन। अब कुछ लोगों के ये डाउट आएगा कि भाई आपने बोल तो दिया ये डेफिनेशन कि भाई वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के डिस्टेंस को क्या बोलोगे आप, रेडियस बोलोगे। बट जब भी आप मेजर करना चाहोगे कि भाई अपन अगर डिस्टेंस मेजर करें तो न्यूक्लियस के केस में या एटम के केस में ये चीज क्या होगा आपका, बहुत ही डिफिकल्ट रहता है कि भाई अपन उतनी एफिशिएंसी से इलेक्ट्रॉन का, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस का डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है कि भाई आप इतना इजीली क्यों नहीं मेजर कर पाते, तो अपन फर्स्ट स्टेटमेंट बोलते हैं कि भाई एटम का साइज क्या होता है आपके पास, बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है। एटम का साइज क्या होता है आपका, बहुत ही स्मॉल रहता है। तो उसको क्या कर पाओगे कि भाई उसका आइसोलेशन क्या होगा आपका, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। कि अगर एक एटम, पर्टिकुलर एटम की बात करें तो उसका साइज जो भी बात करोगे 10 to power -8 -9 सेंटीमीटर की रेंज का आपका उसका रेडियस रहेगा। और इतना स्मॉल रेडियस का अगर एक एटम पर्टिकुलर को आप आइसोलेट करना चाहो, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा। और इसका रीजन लिख लेना, बिकॉज स्मॉल साइज ऑफ एटम, कि भाई एटम का बहुत ज्यादा स्मॉल साइज रहता है, इसकी वजह से एटम को आप आइसोलेट कभी भी नहीं कर पाओगे। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, फाइन। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपका क्या बोलता है कि भाई जब भी आप, जो अपन ने बोल दिया कि भाई ये सुनने में अच्छा लग रहा है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस मेजर कर लो, बट एक्चुअली क्या होता है कि भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई यहां पे इतनी दूर पे इलेक्ट्रॉन रहेगा कि भाई
ये इलेक्ट्रॉन की एक पर्टिकुलर बाउंड्री बोल दी कि भाई सिर्फ इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपके पास यहां पर रहेगा। ऐसा तो होता नहीं है, बोहर मॉडल रहता तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट अपन वेव मॉडल भी पढ़ चुके हैं। वेव मॉडल आपका क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका वेव की तरह बिहेव करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करेगा इसका मतलब कोई बाउंड्री नहीं है, और अगर बाउंड्री नहीं हुआ तो आप क्या बोलोगे कि देयर इज नो वेल डिफाइंड बाउंड्री फॉर द एटम। और बाउंड्री नहीं हुआ तो आप क्या बोलोगे कि भाई अगर आपको पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन रहेगा कहां पे, एक फिक्स बाउंड्री तो है नहीं, तो आप बोलोगे इसकी वजह से रेडियस को आप इफेक्टिवली मेजर नहीं कर पाते। और इसका रीजन क्या आ जाएगा, बिकॉज वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की वजह से आपने कोई बाउंड्री नहीं बताया, और अगर बाउंड्री नहीं हुआ तो आप इफेक्टिवली रेडियस मेजर नहीं कर पाओगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ, एटॉमिक रेडियस किसको बोलते हैं और इफेक्टिवली अपन रेडियस मेजर नहीं कर पाते, ठीक है, इतनी बात चलेगी। फिर बात आएगी कि भाई आप इफेक्टिवली नहीं बता पाते तो आप कैसे, क्या क्या बात क्यों करते हैं अपन रेडियस वगैरह की। तो अपन बोलते हैं कि भाई इस रेडियस को, एटॉमिक रेडियस को अपन क्या करते हैं, तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। कि अगर आपका मेटल हुआ तो आप मेटलिक रेडियस बोल दोगे, अगर आपका नॉन मेटल हुआ तो आप क्या बोल दोगे, कोवेलेंट रेडियस बोल दोगे, और अगर आपके पास इनर्ट गैस हुआ तो आप बोल दोगे वैन डर वाल रेडियस आपके पास रहेगा। तो एटॉमिक रेडियस में अपन तीन चीजों की बात करेंगे, कौन कौन सा, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस, और तीसरा क्या होगा आपका, मेटलिक रेडियस, ठीक है इतनी बात। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है आपका कोवेलेंट रेडियस। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है आपका, कोवेलेंट रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, इट इज द वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियाई बॉन्डेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कि भाई आपके पास, आप किसकी बात कर रहे हो, अगर आप X2 की बात कर रहे हो, अगर आप किसकी बात कर रहे हो, X2 की बात कर रहे हो, और X2 की अगर बात करो तो अपन बोलेंगे कि मान लीजिए ये आपका क्या है, नॉन मेटल, के पास क्या है, नॉन मेटल है, तो अपन बोलेंगे कि भाई इनमें कुछ बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो अगर इनमें बॉन्ड होगा तो अपन ने बोल दिया ये एक्स का फर्स्ट का सेंटर है, ये सेकंड का सेंटर है, और ये पूरा डिस्टेंस क्या होगा, येलो लाइन वाला, ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, इसका बॉन्ड लेंथ हो गया। बॉन्ड लेंथ का मतलब डिस्टेंस बिटवीन आपका, जो आप दोनों एटम की बात कर रहे हो, उन दोनों का सेंटर का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा आपका, बॉन्ड लेंथ रहेगा। तो अपन बोलते हैं कि ठीक है, अपन रेडियस तो मेजर नहीं कर सकते बट अपन बॉन्ड लेंथ तो बता सकते हैं। तो अपन बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करेंगे और अपन बोलेंगे कि भाई बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू 2 into रेडियस ऑफ क्या हो गया आपका, एक्स। तो रेडियस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, बॉन्ड लेंथ बाय 2। रेडियस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, बॉन्ड लेंथ बाय 2, ठीक है इतनी बात। अब वो अगर ये x2 की बात करते हो तो अलग केस होगा, अगर यहीं पे क्या हो जाता आपका, xy हो जाता तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, वहां पे और चीजें कंसीडर करेंगे, उनके फॉर्मूलाज वगैरह डिटेल्स है, अपन न्यूमेरिकल वैल्यू के अपने पास क्वेश्चन नहीं आते, अपन सिर्फ लॉजिकल समझना चाह रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या कुछ रहता है। तो कोवेलेंट रेडियस सब लोगों की समझ में आया, कोवेलेंट रेडियस का मतलब क्या हुआ, आप क्या बोल रहे हो कि कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ अपन मेजर कर सकते हैं, और अपन ने रेडियस बोल दिया, रेडियस इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ बाय क्या हो गया आपका, 2। इतनी चीज क्लियर है, एक फॉर्मूला भी रहता है बट वो अपन डिस्कस यहां पे नहीं कर रहे, बट ये पार्ट पता चला कि भाई एक्चुअल में जो भी आपका रेडियस होगा, अगर जो फॉर्मूले की इसकी बात कर रहे हैं कि भाई ये वाला पार्ट, अगर आप येलो वाले पार्ट की बात करते हो, येलो को हटा देते हैं अपन, दूसरे कलर से लिख लेते हैं, कि अगर अपन किसकी बात करें कि भाई एक्चुअल वाला ये वाला पार्ट, रेड वाला रीजन क्या हो रहा है आपका, अपन दोनों टाइम, मतलब अपन दो बार, एक्चुअली में क्या हो रहा है कि भाई जो आप बॉन्ड लेंथ बोलते हो इसमें ये वाला पार्ट क्या हो रहा है, दो बार आ रहा है। तो इसी की हेल्प से अपन कंपेयर करके बताएंगे कि कोवेलेंट रेडियस ज्यादा होता है, वैन डर वाल ज्यादा होता है, या क्या होगा आपका, मेटलिक रेडियस ज्यादा रहेगा। बट कोवेलेंट, इतनी बात क्लियर हुई कि अगर आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो आपने बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट किया और रेडियस क्या बोल दिया, रेडियस इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ बाय 2।
ठीक है ओके। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट, क्या आएगा आपका वॉन डेर वाल रेडियस। नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा आपका वॉन डेर वाल रेडियस। और अगर वॉन डेर वाल रेडियस की बात करें तो वॉन डेर वाल में क्या बोलते हैं कि भाई ये एक्चुअली आपका रेडियस नहीं होता, वॉन डेर वाल क्या होगा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। वॉन डेर वाल क्या रहेगा आपका एक अपन केमिकल बॉन्डिंग में एक टर्म पढ़ेंगे वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है कि भाई दो मॉलिक्यूल में आपके पास क्या रहेगा अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, वो आपके पास बॉन्ड नहीं बनाते, एक पर्टिकुलर या एक मिनिमम सर्टेन डिस्टेंस तक आपके पास क्या आएंगे क्लोज आएंगे, अपने को लगेगा कि भाई वो क्या कर रहे हैं बॉन्ड बना रहे हैं, बट एक्चुअली वो बॉन्ड नहीं बनाते, उनमें सिर्फ क्या होगा आपका अट्रैक्शन होगा, उनमें सिर्फ क्या होगा आपके पास अट्रैक्शन रहेगा। तो अगर अपन बात करें कि भाई वॉन डेर वाल रेडियस का मतलब क्या हुआ कि भाई अपन ने बोल दिया ये ए है और ये क्या है आपका दो मॉलिक्यूल है, A2 के आपके पास क्या है दो मॉलिक्यूल है, और अपन बोलते हैं कि भाई इनमें क्या है आपका वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी भी इनमें क्या है, इनमें क्या है आपका वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये अट्रैक्शन फोर्स इतना वीक रहता है कि भाई वो बहुत ज्यादा पास आपके पास नहीं आ पाते। और इसको भी अगर अपन रेडियस डिफाइन करें तो रेडियस इज इक्वल टू क्या बोलेंगे बॉन्ड लेंथ बाय 2, बट एक्चुअली ये रेडियस होगा क्या आपका नहीं, क्योंकि आप क्या बोलोगे कि भाई ये वाला पार्ट क्या हो रहा है कि भाई दोनों रीजन में ही नहीं आ रहा और अपन इसको क्या कर रहे हैं एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं अपन एक्स्ट्रा काउंट कर रहे हैं। तो वॉन डेर वाल रेडियस आप किसके लिए बात करोगे कि भाई ये सिर्फ आपका अट्रैक्शन फोर्स है और इसमें अपने पास बॉन्ड नहीं बनता, आप बोलोगे एक सर्टेन डिस्टेंस तक क्या आ गए पास आ गए, और इसी के बेसिस पे अपन जो भी मिनिमम डिस्टेंस रहेगा उसको क्या बोल देंगे अपन बॉन्ड लेंथ, और आपका रेडियस क्या हो जाएगा आपका बॉन्ड लेंथ बाय 2। इतनी बात क्लियर हुई ठीक है। तो अगर इसका स्टेटमेंट की बात करें तो ये आपका इसका डेफिनेशन लिख लेना कि इट इज दी 1/2 ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम इन टू नियरेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट, कि भाई आप कौन सी स्टेट में बात कर रहे हो, सॉलिड स्टेट में आप बात कर रहे हो ठीक है इतनी चीज ओके नेक्स्ट। और एक और चीज रहता है कि भाई वॉन डेर वाल जो भी आपका रेडियस हुआ ये आपके पास बेसिकली मेटल के लिए अपन बात नहीं करते, वॉन डेर वाल रेडियस अपन किसके लिए नहीं बात करते मेटल्स के लिए नहीं बात करते, क्योंकि ये सिर्फ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन नॉर्मली आप ये कहां पे यूज करोगे इनर्ट गैस वगैरह में अपन बात करेंगे कि भाई इनर्ट गैस के लिए आप कौन सा रेडियस कंसीडर करोगे वॉन डेर वाल रेडियस कंसीडर करते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनर्ट गैस आपके पास बॉन्ड वगैरह फॉर्म नहीं करते, वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक आपके पास क्या आएंगे पास आएंगे। तो जब भी आपके पास वॉन डेर वाल रेडियस की बात आएगी तो आप क्या बोलोगे ये आपके पास इनर्ट गैस के लिए बात करोगे, इतनी चीज क्लियर हुई ठीक है। और वॉन डेर वाल रेडियस आप किसके लिए यूज नहीं करोगे, आप मेटल्स के लिए यूज नहीं करते ठीक है, क्लियर हुआ इतना स्टेटमेंट ओके। नेक्स्ट मेटेलिक रेडियस, अगला पार्ट क्या आता है आपका मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस में क्या किया अपन ने, दो मेटल एटम लिए, उनमें एक बॉन्ड रहेगा, बॉन्ड लेंथ को आपने किससे डिनोट किया, येलो कलर वाला जो भी पार्ट दिख रहा है वो क्या है आपको बॉन्ड लेंथ दिख रहा है, और रेडियस का फॉर्मूला फिर से क्या आ जाएगा आपका बॉन्ड लेंथ बाय 2, रेडियस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास बॉन्ड लेंथ बाय 2, इतनी बात क्लियर हुई ठीक है। अब अगर अपन क्या चाहें कि भाई अपन हम चाहते हैं कि भाई अपन तीनों चीजों को एक साथ कंपेयर करें, अपन क्या करें तीनों चीजों को एक साथ कंपेयर करें, अपन चाहते हैं कि भाई हमारे पास एक पहला केस अपन ने कंसीडर किया मेटेलिक रेडियस का, फिर उसके बाद अपन कंसीडर करते हैं कोवलेंट रेडियस का एक केस, उसके बाद किसका केस कंसीडर करते हैं अपन कोवलेंट रेडियस का केस, तो इसको पास मेटेलिक रेडियस के जस्ट पास में क्या लिखते हैं अपन एक मिनट थोड़ा टाइम लग रहा है एक मिनट मेटेलिक रेडियस के जस्ट पास अपन ने क्या लिखा कोवलेंट रेडियस,
और इसके जस्ट पास में अपन ने क्या ड्रॉ कर लिया, थोड़ा सही से ड्रॉ कर लेते हैं अपन, ये आपका ए बी है, ये भी क्या है ए बी, और ये अपन ने क्या ड्रॉ कर लिया वान डर वाल रेडियस, क्या ड्रॉ कर लिया अपन ने वान डर वाल रेडियस। तो इन तीनों को देख के बताओ कि जो भी आप बॉन्ड लेंथ वाले तरीके से बता रहे हो कि भाई आपका रेडियस बेसिकली यही वाला पार्ट तो रहेगा, रेडियस बेसिकली क्या होगा यही वाला पार्ट होगा। तो अगर आप तीनों को कंपेयर करते हो कि भाई मान लो आपका अगर तीनों को अपने को कंपेयर करना हो कि भाई बताइए मेटेलिक रेडियस ज्यादा होगा, कोवलेंट ज्यादा होगा या वान डर वाल ज्यादा रहेगा, तो आप क्या बोलोगे कि मेटेलिक रेडियस में क्या हो रहा है आपका 3D। अगर अपन बात करें कि भाई मेटेलिक रेडियस 3D डायग्राम का आप सोचोगे तो एक एटम दूसरे एटम को नॉर्मल क्या कर रहा है, टच कर रहा है। यहां पे कहीं पे भी आपको ओवरलैपिंग वाला पार्ट दिख रहा है क्या आपको, कहीं पे भी ओवरलैपिंग का पार्ट दिख रहा है क्या आपको, नहीं ओवरलैपिंग नहीं दिख रहा। और अगर आप कोवलेंट को कंसीडर करते हो तो कोवलेंट में क्या दिख रहा है आपको कि भाई ये वाला पार्ट क्या आ रहा है आपका ओवरलैप कर रहा है, कि जो अपन ने दोनों ए और बी वाले दोनों वाले पार्ट को कुछ पार्ट क्या कर रहा है आपका ओवरलैप कर रहा है। और अगर आप वान डर वाल की बात कर रहे हो तो यहां पे क्या बोलोगे, कोई ओवरलैपिंग वाला पार्ट नहीं आ रहा। तो इन तीनों को कंपेयर करके बताओ कि भाई किसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा, तो अपन बोलेंगे वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला बॉन्ड लेंथ क्या होगा आपका सबसे ज्यादा होगा, वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा सबसे ज्यादा होगा। वान डर वाल के बाद में क्या आएगा आपका मेटेलिक वाला पार्ट आएगा, और मेटेलिक के बाद में लास्ट पार्ट क्या होगा आपका कोवलेंट रहेगा, लास्ट पार्ट क्या होगा आपका कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये इनके डिस्टेंस के बेस बॉन्ड लेंथ के बेसिस पे अपन ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि भाई मेटेलिक अगर बॉन्ड बना रहा है इसका मतलब क्या हुआ आपका नॉर्मल टचिंग रहेगा, कोई ओवरलैपिंग नहीं होगा। और अगर आप कोवलेंट की बात करते हो तो उसमें अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि आपका एक सर्टेन रीजन क्या कर रहा है आपका ओवरलैप कर रहा है। और वान डर वाल क्या है कि भाई वो तो सिर्फ अट्रैक्शन है, एक सर्टेन डिस्टेंस तक पास आते हैं, उसके बाद क्या बोलोगे कि भाई और पास आना पॉसिबल नहीं है। तो इसको देख के पता चला कि भाई अपन बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बता सकते हैं, और अपन एक अजम्पशन लिखा है कि भाई बॉन्ड लेंथ या रेडियस इज इक्वल टू बॉन्ड लेंथ बाय 2, रेडियस इज इक्वल टू क्या है आपका बॉन्ड लेंथ बाय 2। तो अपन एक स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि भाई रेडियस ऑफ कोवलेंट सबसे कम रहेगा, उसके बाद क्या आएगा आपका रेडियस ऑफ मेटेलिक आएगा, उसके बाद सबसे ज्यादा क्या होगा आपका रेडियस ऑफ वान डर वाल, रेडियस ऑफ क्या होगा आपका वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रेडियस ऑफ क्या आएगा आपके पास वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इतनी चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब इसको और ज्यादा मत सोचना कि भाई एक्चुअल इसका डेफिनेशन क्या होता है, क्या क्या चीजें रहती है, अपन नॉर्मल कंपेयर कर रहे हैं कोवलेंट मेटेलिक और वान डर वाल में, जिसको देख के अपने को पता चला कि आपका वान डर वाल रेडियस क्या होगा सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि वान डर वाल में बॉन्ड तो बनाता नहीं है, एक सर्टेन डिस्टेंस तक एक दूसरे के क्या आएंगे पास आएंगे। इतनी चीज ठीक है। नेक्स्ट अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिससे अपने पास क्या आते हैं पेपर में क्वेश्चन वगैरह अपने पास आते हैं, तो वो क्या होगा आपका फर्स्ट पार्ट क्या होगा वेरिएशन, उसमें क्या बोलते हैं अपने पास जिससे क्वेश्चन आते हैं वो क्या है आपका वेरिएशन। वेरिएशन से पहले अपन एक दो चीजें और देखते हैं कि भाई आपका ये किन किन चीजों पे रेडियस के क्वेश्चन वगैरह अपन कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर अपन बात करें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, तो बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए अपन क्या लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका जेड इफेक्टिव, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, इतनी चीज कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज बोल सकते हैं अपन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आपका रेडियस हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा रेडियस, कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स रहेगा एटम न्यूक्लियस के क्या होगा उतना ज्यादा पास होगा, या बोल देंगे न्यूक्लियस उस एटम को उतना क्लोजली होल्ड करेगा, क्लोजली होल्ड करने का मतलब
वो एटम न्यूक्लियस के पास क्या आएगा, ज्यादा न्यूक्लियस के पास में रहेगा। तो पहला रिलेशन अपने को पता चला कि जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू बढ़ेगा आपका रेडियस का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर इसकी वाइस वर्सा की बात करें कि भाई अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू कम हुआ तो क्या बोलोगे, अट्रैक्शन कम हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस के पास आएगा कि दूर जाएगा, ऑब्वियस है। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हुआ तो वो न्यूक्लियस से क्या जाएगा आपका, दूर जाएगा। और अगर न्यूक्लियस से दूर जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस का वैल्यू क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। और अपन ने बोला था जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट आप क्या चीज अज्यूम करोगे, जेड इफेक्टिव। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करते हो तो जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। इतनी चीज में किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं, फाइन। तो सबसे पहले आता है आपका वेरिएशन इन ए गिवन पीरियड, कि भाई अगर पीरियड में बात करो तो पीरियड का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पीरियड सेकंड थर्ड फोर्थ पीरियड्स की ऐसे बात कर रहे हो। तो अगर अपन पीरियड में बात करें तो पहली बात आती है कि भाई इसका ट्रेंड वगैरह कैसे क्या लिखोगे। तो अलोंग द पीरियड अपन बोलेंगे मूवमेंट क्या होगा आपका, लेफ्ट टू राइट होगा। अलोंग द पीरियड आपका मूवमेंट कैसे हो रहा है, लेफ्ट टू राइट। और अपन बोलेंगे अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करते हो तो आपके पास जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बताओ न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा कि कम अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ज्यादा अट्रैक्ट करने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्या आएगा आपके पास, न्यूक्लियस के पास में आएगा। तो आप बोलोगे इसकी वजह से आपका साइज क्या होगा आपके पास, डिक्रीज करेगा। इसकी वजह से साइज क्या होगा आपके पास, डिक्रीज करेगा। इसमें किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट आपका साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बट आप किसके बेसिस पे सॉल्व करोगे या माइंड में क्या अपन ने सोचा, अपन ने सोचा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज का वैल्यू क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब इसको आप नॉर्मल जो पुराना जो नॉर्मल स्टोरी अपन ने अभी बात किया एटॉमिक ये मेटेलिक कोवेलेंट उसके बेसिस पे भी बात कर सकते हो कि भैया आप अगर मेटेलिक रेडियस की बात करो तो मेटेलिक रेडियस आप नॉर्मली किसके लिए बात करोगे, मेटल्स के लिए बात करोगे। और कोवेलेंट रेडियस आप किसके लिए बात करोगे, नॉन मेटल के लिए बात करोगे। तो लेफ्ट पीरियड जो पीरियडिक टेबल है लेफ्ट साइड क्या बोलते हैं अपने पास क्या होगा, मेटल्स। और जैसे जैसे आप राइट साइड मूव करोगे आपके पास नॉन मेटल कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। और नॉन मेटल मतलब कौन सा रेडियस, कोवेलेंट। और कोवेलेंट रेडियस अपन बोलते हैं कि भाई आपका रेडियस क्या रहता है, कम रहता है किससे, मेटेलिक से। तो इस थ्योरी के बेसिस पे भी बता सकते हैं, बट अब आपका ज्यादा बेटर क्या रहेगा, जेड इफेक्टिव थोड़ा ज्यादा आपका प्रैक्टिकल या लॉजिकल रहेगा। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट आपका साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इतनी चीज समझे, किसी के कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट पार्ट आता है आपके पास अलोंग दी ग्रुप। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है आपके पास, अलोंग दी ग्रुप। और अगर आप अलोंग दी ग्रुप बात करो तो अलोंग दी ग्रुप का मतलब क्या हुआ, ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप। अलोंग दी ग्रुप का मतलब क्या बात कर रहे हो, ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप। डाउन टू द ग्रुप बात करें कि भाई जैसे जैसे आप डाउन टू द ग्रुप जाओगे तो डाउन टू द ग्रुप का मतलब क्या हुआ, अगर आप बात करते हो हीलियम, इनर्ट गैस के लिए लिखा। अब जैसे जैसे बात करोगे, ये बोल दिया फर्स्ट पीरियड, ये बोल दिया सेकंड पीरियड, और ये क्या बोल दिया अपन ने, थर्ड पीरियड। इतने में किसी के कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन बोलेंगे कि भाई अलोंग दी अगर आप ग्रुप बात करोगे तो ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप जाने पे आपका नंबर ऑफ शेल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कि भाई यहां पे हीलियम कौन से शेल में है, फर्स्ट शेल में है। नियॉन कौन से शेल में है, सेकंड शेल में है। और जैसे जैसे आपका शेल इंक्रीज करेगा तो आप क्या बोलोगे कि भाई न्यूक्लियस से क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। और न्यूक्लियस से दूर जाने का मतलब क्या हुआ, आपके पास साइज का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इतनी बात क्लियर हुई, तो एक स्टेटमेंट भी लिख लेना,
on moving down to the group number of shell increases, that's why size increases. Size का मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, रेडियस की बात कर रहे हो. इतनी बात क्लियर हुई दोनों पॉइंट, मतलब वो कहानी वाला पार्ट अलग चीज है, मतलब जो भी क्वेश्चन होंगे आप सिर्फ इतने पार्ट से सॉल्व करोगे कि भाई आपका एटॉमिक रेडियस का अगर अपने पास क्वेश्चन आ गया तो अपन इसी के बेसिस पे सॉल्व करेंगे. इतना कंसेप्ट समझा ये जेड इफेक्टिव, लेफ्ट टू राइट, डाउन टू द ग्रुप, ठीक है. अब अपन बात करेंगे इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस. तो सबसे पहला आता है आपका, अगर आप फर्स्ट पीरियड में कंसीडर करो तो अपन बोलेंगे हाइड्रोजन और क्या होगा हीलियम. सेकेंड पीरियड में अगर बात करें तो क्या होगा, हाइड्रोजन हीलियम, फिर आएगा आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्या है आपका नियम. इतना है, ये तो हो गया आपका अलोंग द पीरियड. तो अलोंग द पीरियड बताओ क्या एक्सप्रेशन आया था. तो अपन ने बोला था लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका साइज का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा. तो अपने पास क्या ट्रेंड देखने को मिलना चाहिए था, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, अपने पास ये वाला ट्रेंड देखने को मिलना चाहिए था, ठीक है. तो अगर अपन बात करें प्रैक्टिकल या एक्चुअल वैल्यू की, तो यहां पे अगर सेकेंड पीरियड में बात करें कि भाई साहब फ्लोरीन तक तो आपका जो भी ऑब्जर्वेशन था या जो भी लॉजिक था वो सब सही था. नियॉन के केस में ये आपका लॉजिक क्या हो गया, आपका फेल हो गया. नियॉन के केस में आपका लॉजिक क्या हो गया, फेल हो गया. और अगर आप यहां पर बात करते हो हाइड्रोजन और हीलियम के केस में, तो यहां पे भी आपका लॉजिक क्या आ गया, आपका गलत आ गया. तो अपन सोचेंगे कि भाई यहां पे ऐसा क्या हो गया कि अपना लॉजिक फेल हो गया. तो फिर अपन वापस से पुरानी वाली थ्योरी पे जाएंगे कि भाई अपने को याद आया कि वान डर वाल रेडियस करके कुछ रहता है, और वान डर वाल रेडियस आपको क्या बोलता है कि वान डर वाल में बॉन्ड तो बनता नहीं है, आपका अट्रैक्शन होता है और एक सर्टेन डिस्टेंस तक पास आते हैं. और सबसे ज्यादा रेडियस कौन सा होगा आपका, कि वान डर वाल रेडियस आपका बहुत ज्यादा रहता है किसके कंपैरिजन में, मेटेलिक और कोवेलेंट रेडियस के कंपेयर में. तो जब भी आप ये ऑर्डर बताओ आपका वो वाला स्टोरी ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. अब सिर्फ एक चीज ध्यान रखना कि जो आप इनर्ट गैस लिख रहे हो उसका रेडियस क्या होगा, गिवन पीरियड में मैक्सिमम रहेगा. तो आप इसको एज ए एक्सेप्शन भी बोल सकते हो कि फर्स्ट पीरियड के लिए ऑर्डर क्या होगा, हीलियम और फिर क्या आएगा आपका हाइड्रोजन. और अगर आप सेकेंड पीरियड के लिए बात कर रहे हो बाकी सारा स्टोरी क्या है आपका सेम, कि भाई सबसे पहले क्या लिख दो आप, नियॉन. सबसे पहले क्या लिख दो आप, नियॉन. तो एक नोट करके एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि साइज ऑफ इनर्ट गैस एटम इज मैक्सिमम इन गिवन पीरियड, कि गिवन पीरियड में इनर्ट गैस का साइज क्या होगा, आपका मैक्सिमम रहेगा. क्लियर हुआ इतना, किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. तो इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं अलोंग दी ग्रुप. अलोंग दी ग्रुप का मतलब क्या हुआ आपका, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, या आप बोल दो हीलियम, नियॉन और क्या बोल दिया अपन ने, अलोंग दी ग्रुप. अगर बात करें तो अपना सिंपल सा लॉजिक है, ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप आपके साइज का वैल्यू क्या होगा आपके पास, इंक्रीज करेगा. और इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कहां पे जा रहा है, नेक्स्ट शेल में जा रहा है, और नेक्स्ट शेल में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसकी वजह से आपका साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा. नॉर्मल ट्रेंड सब लोगों को पता चला, अलोंग दी ग्रुप बात किया अपन ने और कहां पे बात किया, अलोंग दी पीरियड. इतनी चीज ठीक है. और जब भी साइज का नॉर्मल आपके पास क्वेश्चन आया, आप पीरियोडिक टेबल में उस एटम को आइडेंटिफाई करना कि देखना वो कौन से पीरियड में, और पीरियड में देखने के बाद उसको आप पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अरेंज करना, और फिर आप देखना कि डाउन टू द ग्रुप जाने पे साइज क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा. ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट जाने पे भी आपका साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा. और अगर एक आप पर्टिकुलर पीरियड में बात करो तो इनर्ट गैस का साइज क्या होगा, मैक्सिमम रहेगा. और इसका रीजन क्या बोलते हैं, बिकॉज इनर्ट गैस के केस में कोई बॉन्ड नहीं बनता, सिर्फ आपका अट्रैक्शन होता है, और वान डर वाल रेडियस क्या होता है आपका, मैक्सिमम रहता
है, ये तो आया नॉर्मल ट्रेंड, ठीक है। अब अपन बोलते हैं कि भाई केमिस्ट्री में जो नॉर्मली आप लोगों ने आपके कजिन वजिन ने बहुत सारे सब लोग या जो भी बात करते हो तो बोलते हैं केमिस्ट्री में बहुत सारे आपके पास क्या मिलते हैं, एक्सेप्शन, बहुत सारे क्या मिलते हैं, एक्सेप्शन। आप एक रूल बना देते हो, फिर उस रूल में क्या आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है कि जैसे लेफ्ट टू राइट वाला बात बोला, अब थोड़ी देर बाद में जैसे ही आपने बात किया फर्स्ट पीरियड में ही प्रॉब्लम आ गया हाइड्रोजन और हीलियम, यहीं पे आपका रूल गलत हो गया। सेकंड पीरियड में बात किया नियॉन वाला पार्ट आ गया, वहां पे आपका रूल क्या हो गया, वॉयलेट कर गया। तो एक चीज और ध्यान रखना कि केमिस्ट्री में जो भी अपन ये लॉजिक बताते हैं, ये लॉजिक किसके बेस पे बात करते हैं, ये लॉजिक अपन बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बेस पे, कि अपन ने सबसे पहले क्या किया, इनका रेडियस मेजर कर लिया, फिर उसके बाद अपन कुछ लॉजिक बताते हैं कि भाई जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है तो रेडियस कम हो रहा होगा, नेक्स्ट सेल में जा रहा है तो आपका रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा होगा। तो अपन बोलते हैं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अपने पास लॉजिक रहेगा, न कि लॉजिक के बेस पे क्या रहेगा आपका ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, ओके। तो अभी बात करते हैं अपन इसके कुछ एक्सेप्शंस, इनके कुछ क्या बात करेंगे, एक्सेप्शंस। और ये चीज आप याद रखना क्योंकि नॉर्मली पेपर में क्या आता है आपके पास, एक्सेप्शन ही पूछता है कि भाई आपका नॉर्मल ट्रेंड की बात नहीं करता, वो क्या देगा आपको, एक्सेप्शन की ही बात करता है। तो इस एक्सेप्शन वाली सीरीज में कि भाई अपन ने थोड़ी देर पहले बोला कि भाई आपका अगर आपके पास इनर्ट गैस हुआ, क्या हुआ, इनर्ट गैस हुआ, तो इनर्ट गैस का साइज क्या होता है आपका, मैक्सिमम होगा। इनर्ट गैस का साइज क्या होगा, मैक्सिमम होगा इन गिवन पीरियड। ऐसा क्यों हुआ, ये अपन ने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि भाई इनर्ट गैस में होगा क्या आपके पास, इनर्ट गैस के केस में वैन डेर वाल रेडियस रहती है और वैन डेर वाल रेडियस एक गिवन पीरियड में साइज क्या होगा आपका, मैक्सिमम रहेगा। तो पहला पॉइंट याद होगा सब लोगों को, याद रखना। नेक्स्ट, उसके बाद आता है आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, इंपॉर्टेंट वाला एक्सेप्शन, वो क्या होगा आपका, अगर इन केस ऑफ आप बात करो ट्रांजिशन सीरीज, इन केस ऑफ किस में बात करें अपन, ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज का मतलब आप किसके लिए बात कर रहे हो, 3D सीरीज। ट्रांजिशन सीरीज का मतलब क्या हुआ, 3D सीरीज के लिए बात कर रहे हो। जैसा कि थोड़ी देर पहले बोला अपन ने, रिजल्ट के बेस पे अपन क्या बताएंगे, लॉजिक बताएंगे, न कि लॉजिक के बेस पे क्या बताएंगे, रिजल्ट। तो अपन ने 3D सीरीज के एलिमेंट्स लिखते हैं और 3D सीरीज बताइए कहां पे, कहां से स्टार्ट होता है आपका, 3D सीरीज आपका स्टार्ट होगा फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 टू लेके क्या होगा आपका 30 तक। याद करो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक शॉर्टकट बोला था, जो भी नंबर होगा 21 हुआ तो 2+1, 23 हुआ तो 2+3, 26 हुआ तो 2+6, बट सिर्फ दो एक्सेप्शन होंगे, कौन से, क्रोमियम और कॉपर, उनको 2+3, 2+3, 2+9, 2+5 इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो अगर आप स्कैंडियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपके पास, अगर स्कैंडियम के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये 21 होता है, 21 का मतलब क्या हुआ, 3D1 4S2, ये क्या होगा आपका 3D2 4S2, 3D3 4S2, 3D5 4S1, 3D5 4S2, 3D6 4S2, कोबाल्ट क्या होगा आपका 4S2, 3D7 4S2, 3D8 4S1, 3D10 4S2, 3D10। तो एटॉमिक नंबर में कौन से दो एलिमेंट होंगे जो ट्रांजिशन सीरीज में बात करोगे जो आपके पास क्या होगा, एक्सेप्शन होगा, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, क्रोमियम और कॉपर। आपका आंसर क्या होगा, क्रोमियम और कॉपर। तो अगर अपन इनका साइज ऑब्जर्व करें, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, तो अपने को लगेगा कि भाई स्टार्टिंग में वैल्यू क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है। स्टार्टिंग में साइज क्या हो रहा है आपके पास, डिक्रीज कर रहा है। फिर उसके बाद अगर अपन यहां पे सेकंड वाली रीजन में अगर अपन नोटिस करें तो यहां पे क्या मिल रहा है अपने को, साइज क्या मिल रहा है आपको, कांस्टेंट या क्या बोल दिया अपन ने, सेम आया। साइज आपका कांस्टेंट या क्या आया आपका, सेम आया। और अपन ने बोला कि भाई जो लास्ट रीजन रहेगा यहां पे क्या बोलेंगे
आपका साइज बोल दिया या रेडियस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। साइज या रेडियस क्या कर रहा है आपके पास, इंक्रीज कर रहा है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू के बेसिस पर अपन ने बात की। अब अपन बात करेंगे लॉजिक की कि भाई ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा है, साइज का वैल्यू क्या कर रहा है कि स्टार्टिंग में तो डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है आपका कॉन्स्टेंट आ रहा है, और फिर क्या कर रहा है आपका साइज का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब अगर आपको बोले कि नॉर्मल ट्रेंड बताओ तो क्या बोलोगे, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट जाने पे आपका साइज का वैल्यू क्या होना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस वैलेंशियल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन पे खींचेगा, और अगर अपनी तरफ खींचेगा इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका साइज डिक्रीज कर रहा है। ये अपन एक नॉर्मल लॉजिक दिया था एक इन जनरल। अब अगर अपन इनको ऑब्जर्व करें कि अगर इनके कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो अपने को पता चला कि भाई जैसे ही MN की बात करते हैं, अपन किसकी बात करते हैं, MN का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा आपका 4s2 और आपके पास क्या आ गया 3d5 आया। अब टू क्रोमियम तक आप क्या बोलोगे कि भाई यहां तक आपका क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव के बेसिस पे बोलोगे आपका साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जेड इफेक्टिव के बेसिस पे साइज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बट जैसे ही आप MN में चले जाते हो, क्रोमियम से किस में चले जाते हो, MN में, तो आपके पास क्या स्टार्ट हो जाएगा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, पेयरिंग का मतलब क्या हुआ, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गए आपके पास, दो। एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होने का मतलब आपके पास क्या चीज पिक्चर में आएगा, तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन अभी आपके पास पिक्चर में आ गया। और अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से बताओ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएंगे कि दूर जाएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन हो रहा है तो वो न्यूक्लियस से क्या जाएगा, दूर जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की बात करें, इसकी वजह से क्या होगा आपका साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और अगर आप जेड इफेक्टिव की बात करो, तो अगर जेड इफेक्टिव की बेसिस पे बात करें तो आपका साइज क्या होगा, आपका डिक्रीज करेगा। तो अगर क्रोमियम तक देखो तो वहां पे आपके पास पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हो रहा, और अगर पेयरिंग पिक्चर में नहीं आ रहा तो आप नॉर्मल किसके बेसिस पे बता रहे थे कि भाई आपका जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ रहा है, तो आपका साइज क्या हो रहा था, डिक्रीज कर रहा था। तो क्रोमियम तक आपने किस लॉजिक के बेसिस पे बताया, जेड इफेक्टिव के बेसिस पे साइज क्या कर रहा है आपका, डिक्रीज कर रहा है। बट जैसे ही आप देखोगे किसमें, MN के केस में, तो वहां पे बोलोगे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग टेक, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग टेक्स प्लेस। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होगा उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या हो रहा है, रिपल्शन। तो अभी आपके पास पिक्चर में क्या आ जाता है, दो स्टोरी आ जाता है। एक तो जेड इफेक्टिव क्या बोलेगा कि न्यूक्लियस के पास आओ, अब वो पेयरिंग की वजह से क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस से दूर जाओ। तो मान लीजिए एक रस्सी है, अब दो लोग इधर खींच रहे हैं और दो लोग इधर खींच रहे हैं, तो क्या होगा, ओवरऑल इस पे क्या रिजल्ट आएगा कि भाई ये कोई भी डायरेक्शन में मूव करेगा क्या, नहीं, ये वहां का वहीं रहेगा। इसका मतलब कि भाई इस पर्टिकुलर रीजन में आप बोलोगे कि भाई जेड इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, कि न्यूक्लियस जितना अपनी डायरेक्शन में खींचेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से न्यूक्लियस से क्या जाएगा, आपका दूर जाएगा। तो सेकंड वाला रीजन का लॉजिक पता चला सब लोगों को, ठीक है। अब फिर अपन बात वापस से ये बोलते हैं कि भाई आप वापस से जैसे ही बात करोगे यहां पर कॉपर और जिंक में, कहां पर बात करोगे, कॉपर और जिंक में, तो पर अगर अपन बात करें कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 3d10 4s1, तो अपन यहां पे कॉपर में क्या बोलेंगे कि भाई पांच ऑर्बिटल है और पांचों ऑर्बिटल क्या हो गए आपके पास, फुल्ली फिल्ड हो गए। पांचों ऑर्बिटल क्या हो गए आपके पास, फुल्ली फिल्ड। पांचों फुल्ली फिल्ड होने का मतलब जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर गया। और अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीज कर गया, इसकी वजह से क्या होगा आपका साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसमें कॉपर और जिंक का साइज क्यों इंक्रीज किया, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इंक्रीजेस।
तो तीन पार्ट में ट्रांजिशन सीरीज वाले एलिमेंट को अपन ने तीन पार्ट में डिवाइड किया. एक स्टार्टिंग वाला रीजन था, वहां पे कौन डोमिनेटिव था, जेड इफेक्टिव. सेकेंड वाले रीजन में क्या था आपका, जेड इफेक्टिव और रिपल्शन दोनों क्या हो रहे थे, कैंसिल आउट हो रहे थे. और लास्ट वाले रीजन में क्या आ गया आपका, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डोमिनेटिव हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया आपका, साइज इंक्रीज कर गया. ठीक है, अब नॉर्मल इतना चीज समझो कि भाई ये वाला पार्ट क्या हो गया, इधर आपका न्यूक्लियस है और इधर क्या है, ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है. अब जेड इफेक्टिव ज्यादा हुआ तो ये जेड इफेक्टिव क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन है, जेड इफेक्टिव अगर ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन को अपनी डायरेक्शन में खींचेगा. तो इसी वजह से आप क्रोमियम तक देख सकते हो आपका साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है. ठीक है, अब जैसे ही Mn में गया तो वहां पे क्या स्टार्ट हो जाएगा आपका, पेयरिंग स्टार्ट हुआ. पेयरिंग स्टार्ट होने का मतलब कि न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी डायरेक्शन में खींच रहा था, बट वो इलेक्ट्रॉन क्या बोलेगा कि भाई रिपल्शन की वजह से बाहर की तरफ जाएगा. तो यहां पे दो फोर्स आ गए कि भाई एक तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, न्यूक्लियस खींच रहा है, और दूसरा वही एक दूसरा इलेक्ट्रॉन उसको बाहर की तरफ फेंक रहा है. और दोनों फोर्स क्या बोलोगे कि भाई बैलेंस हो रहे हैं, इसकी वजह से इस रीजन में आपका रेडियस में कोई ज्यादा चेंज नहीं आ रहा. ठीक है, वो थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज हो रहा है बट कोई ज्यादा चेंज आपके पास नहीं आ रहा. सेकेंड वाला रीजन हुआ. फिर बात आता है आपका थर्ड रीजन. थर्ड रीजन में क्या बोलोगे कि भाई आपका जो इधर वाला पार्ट है इलेक्ट्रॉन पे है, इस पे रिपल्शन क्या आ रहा है, बहुत ही ज्यादा आ रहा है. क्योंकि आपके पास देख सकते हो कॉपर में आपके पास पांच इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए और इनमें रिपल्शन क्या है, बहुत ही ज्यादा. और रिपल्शन अगर बहुत ही ज्यादा है तो ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूक्लियस से ज्यादा दूर जाएगा. अगर न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो आपका साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा. आई होप सब लोगों को ट्रांजिशन सीरीज में साइज का वेरिएशन क्या होता है अच्छे से क्लियर हुआ. ठीक है, तो वो ट्रांजिशन सीरीज वाला क्या हो गया आपका, एक्सेप्शन हो गया, ये भी याद रखना. एक और चीज प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइम कि अगर ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट है कि आपको 21 टू 30 तक कोई एलिमेंट आ रहा है तो आप ये लॉजिक सोचना. अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आपके पास आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, और वहां पे क्या आ रहा है कि पांच चार तो एलिमेंट दूसरे हैं इधर उधर के और दो एलिमेंट किधर आ रहे हैं आपके पास ट्रांजिशन सीरीज के, तो वहां पे क्या बोल देना कि भाई दोनों का साइज क्या होगा आपका, अप्रोक्सीमेटली क्या है आपका, सेम सा, क्योंकि ज्यादा आपके पास चेंज इधर नहीं आ रहा है. तो सेकेंड एक्सेप्शन आई होप सब लोगों को क्लियर हुआ अच्छे से, फाइन. इसके बाद बात आती है, नेक्स्ट आता है आपका एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज क्या बोलते हैं. नेक्स्ट क्या आता है आपके पास, अपन बोलते हैं एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज क्या होता है आपके पास, अप्रोक्सीमेटली सेम. या ये बोल दो, ये याद रखना, सेम की जगह ये बोल देना कि भाई एल्यूमिनियम का साइज ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे कुछ लिखो. एल्यूमिनियम का साइज स्लाइटली ज्यादा रहता है किससे, गैलियम से. एल्यूमिनियम का साइज स्लाइटली ज्यादा किससे रहता है आपका, गैलियम से. अब एक्चुअली हुआ क्या, होना क्या था आपका, और मूविंग डाउन टू द ग्रुप जाने पे साइज क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था. बट यहाँ पे होता क्या है कि इनकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई उसमें क्या आया, दोनों का साइज क्या आया आपका, सेम आया. दोनों का साइज क्या आया, सेम. और इसका रीजन क्या आया आपका, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रेक्शन. इसका रीजन क्या है आपका, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रेक्शन, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रेक्शन, याद रहेगा. नेक्स्ट अगला पार्ट आता है, उसमें क्या बोलते हैं अपन कि आपके पास 4D और 5D सीरीज का, सीरीज के जो भी एलिमेंट रहते हैं उन दोनों एलिमेंट्स का साइज क्या होगा आपके पास, अप्रोक्सीमेटली सेम. नॉर्मली एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि 3D आया, 3D तो पिक्चर में है ही नहीं, तो 3D के बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका, 5D. नॉर्मल अपन एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप जाने पे साइज क्या होना चाहिए था आपका, इंक्रीज करना चाहिए था. बट एक्चुअली यहां होता क्या है आपका कि भाई ये साइज अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा आपका, सेम. ये दोनों का साइज अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया आपका, सेम. अपना लॉजिक अलग था कि डाउन टू द ग्रुप जाने पर नेक्स्ट सेल में जाएगा, नेक्स्ट सेल में जाएगा तो साइज क्या होना चाहिए था आपका, बढ़ना चाहिए. बट ये क्या है आपका, एज ए एक्सेप्शन होगा
और इसका रीजन क्या होगा आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन, इसका रीजन क्या होगा आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन। आज सिर्फ आप इतना ही याद रखो एक्सेप्शन क्या क्या थे, अब डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रेक्शन और लेंथेनाइड कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आपका होमवर्क क्या रहेगा, जो आपको एक्सरसाइज वगैरह अपलोड कर रखा है उसका स्टार्टिंग का पार्ट आप एटॉमिक साइज वाले क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने का नॉर्मल ट्राई करना, और अच्छे से सारे क्वेश्चन क्या होंगे आपके पास नेक्स्ट लेक्चर के बाद सारी चीजें अच्छे से हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में अपन ने क्या बात किया, एटॉमिक साइज की बात की, और एटॉमिक साइज के बाद अपन ने देखा उनका क्या ट्रेंड रहेगा, और ट्रेंड में अपन ने बोला लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा आपके पास ऑन मूविंग, लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव अगर बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा उसकी वजह से, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होगा आपका डिक्रीज करेगा, क्योंकि न्यूक्लियस उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा अपनी डायरेक्शन में और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट फिर पढ़ा अपन ने वेरिएशन इन द ग्रुप, और बोला ऑन द मूविंग डाउन टू द ग्रुप नेक्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और नेक्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होने से आपका साइज क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है ओके। और इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से भी अगर आप वाइस वर्सा भी रिलेट करो, ऑन मूविंग डाउन टू द ग्रुप इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या जाएगा दूर जाएगा, तो बताओ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू बढ़ेगा कि कम होगा, अगर न्यूक्लियस से दूर जा रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू ऑब्वियस है डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो नॉर्मल ट्रेंड वगैरह अपन ने पढ़ा, नेक्स्ट लेक्चर में अपन एटॉमिक रेडियस या रेडियस वाले पार्ट को ही आगे क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे। ओके थैंक यू।